गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है और बजे हैं 5:30 और मैं कर रही हूँ अपना गर्म पानी जो मैं सुबह सुबह लेती हूँ। तो फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी और मैं बना रही हूँ आज आलू मटर की सब्ज़ी। सुबह सुबह का फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ। इनको ऑफिस जाना होता है तो अपना टिफ़िन पैक करने के बाद उसके बाद मैं बच्चों के काम में लगती हूँ। बच्चे भी जग जाते हैं तब तक। तो चलिए, मैंने तैयारी कर ली है अपना। मेरा छोंक भुन रहा है और मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटर हरी मिर्च काटने के साथ साथ ही मैंने उसमें सारे मसाले डाल दिए थे ऊपर से ही, और वो सारी चीज़ एक साथ मैंने मिक्स कर दी थी। और टमाटर जब तक मेरे गल जाएंगे फिर मैं इसमें मटर डाल दूंगी और आलू जो मैंने काट के हैं मैं पानी में डाल रखे हैं। और सुबह सुबह पानी इतना ठंडा रहता है तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी ले लेती हूँ। उसमें ठंडे पानी में हाथ नहीं डलते, उंगली में दर्द हो जाता है। तो मैंने अपने टमाटर देख लिए हैं, वो गल रहे हैं अच्छे से। तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए, मसाला अच्छी तरह से मेरा बन गया है। मटर ऐड कर दिया है फिर मैंने इसमें। सब्जी थोड़ी सी बनाऊंगी क्योंकि बच्चों का मन कुछ और खाने का कर रहा है, तो उनके लिए मैं अलग से बना दूंगी। तो सब्जी मैंने थोड़ी सी बनाई है जो हमारे लिए दोनों के लिए हो जाए। और इसमें डाल दिया मैंने, थोड़ा सा ही पानी डाला है, ज़्यादा तरी वाली नहीं बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने सब्जी अपनी छौंक दी है, कुकर मैंने बंद कर दिया और उसके बाद का मैंने आपको नहीं दिखाया था। तो फिर मैं अपने किचन में वो सॉरी किचन में मैं अपने बेडरूम में आ गई थी और मैंने नई बेड शीट ली थी। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ, आज मैंने डाल दी है। और ये जब हम मेरठ गए थे वहाँ से लाए थे। बहुत सुंदर लग रही है, मेरे पास ग्रीन कलर की बेड शीट नहीं थी। और ये गर्म है जो अभी चली हुई मार्केट में आ रही है, जो गर्म बेड शीट वो वाली है। और ये है, इसकी एक ख़ास बात है कि ये है ना, मतलब अच्छे से बिछ जाती है, इसमें सलवटें बहुत कम डलती हैं, चिपक जाती है मतलब गद्दों से। तो देखिए कैसी लग रही है बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मैं अपना लग गई थी सारा काम करने के बाद सिलाई में। और आज मैंने जो एक मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था तो उसका मैंने बनाया है एक बहुत प्यारा सा टॉप। ये काफ़ी टाइम से रखा था और मेरे पास इसका है ना सूट भी है। और हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स में, मैं सही बताऊँ आपको, यहाँ पे जो कश्मीरी आते हैं उनसे मैंने ये सूट ले रखा था। और ये इतना अच्छा है, इतना गर्म सूट है, बहुत सुंदर लगता है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। तो ये मैंने है ना जितनी इसकी लंबाई थी उसी के अकॉर्डिंग से अब इसी में ही बाजू निकालनी थी। ये मेरा 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा था जिसका मैंने ये बनाया है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको कट किया था। तो ये मैंने है ना नीचे का पार्ट अलग किया है और जो इसका ऊपर का पार्ट था, जो ब्लाउज था इसका, वो मैंने अलग काट के रखा था। पहले पीछे का पार्ट निकाला था और इसके छोटे छोटे पीस थे तो मैंने उसमें आगे का पार्ट पीछे का पार्ट रख के आगे का पार्ट काट दिया था। और बनकर ये काफ़ी अच्छा लगा। कपड़ा भी मैंने आपको बताया है गर्म था, तो सर्दी में पहनने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसलिए है ना इनमें जो अच्छे सूट होते हैं इनमें इनकी लंबाई काफ़ी होती है। ये 4.5 मीटर के करीब था और इसमें मैंने पेंट बनाई थी तो इसलिए ये मेरा कपड़ा बच भी गया था और कलर भी इसका बहुत प्यारा लगा। तो मैंने अब इसमें बाजू काट दूंगी। मैं बाजू में थोड़ा सा जोड़ नीचे के साइड है ना लंबाई इसकी कम थी तो इसमें जोड़ लगा हुआ था। और देखिए ये मेरे आगे का पार्ट है ना बन रेडी हो गया है। बीच में मैं बटन लगेंगे तो उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने इसको। और ये है इसके मुढ़े जो कट किए थे मैंने। देखिए रेडी हो गया है और मेरा बेटा मेरे साथ में ही बैठा रहता है।
दोनों बच्चे, अगर मैं उधर जाऊंगी तो उधर पे। और ये इस तरह का था जो मैंने आपको दिखाया है, इसका देख के ही मैंने बनाया था। नाप के जितनी लंबाई इस टॉप की थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको किया है। और किया क्या, इसमें बाकी कपड़ा बचा भी नहीं था, जितना मेरा कपड़ा था वो मेरा बनके तैयार हो गया था। तो अभी मैं इसका गला कट कर रही हूँ। गला मैंने इसको 4 इंच गला काट के और इसमें मैंने गोलाई में कर दिया था इसको। और इसमें मैंने फ्रिल लगाई थी जैसी मेरे पुराने टॉप में थी।